हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रोमियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल टेक्निकल रोमियो पर। हम सभी जानते हैं रिलायंस जियो ने सबसे पहले अपने इंटरनेट की 4G सर्विस को लॉन्च करके सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी औकात दिखा दी। यानी कि जियो के ऑफर के बाद सभी कंपनी ने अपने अपने प्राइस और रिचार्ज में कटौती की, जिसकी वजह से सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों से यानी कि हमसे जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। तो उस मामले में तो मुकेश अंबानी जी ने सबकी बोलती बंद कर दी। सिलसिला यही नहीं थमा, जियो 4G सर्विस के बाद अब हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो ने अपना एक फीचर फोन लॉन्च कर दिया है जो कि कॉस्ट ऑफ फ्री है। हाँ, माना आपको इसके लिए 1500 रुपए देने होंगे, लेकिन वह एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको 3 साल की अवधि के बाद रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप फोन वापस करना चाहते हैं तो। और ये सब देखते हुए बाकी फोन कंपनी चुप तो बैठने वाली है नहीं। तो आज खबर आ रही है इंटेक्स की तरफ से। खबर की माने इंटेक्स ने मंगलवार को भारत में अपना पहला 4G एनेबल वॉयल्टी फीचर फोन टर्बो प्लस 4G भारत में लॉन्च कर दिया है। इंटेक्स ने इस फोन का ऐलान मुकेश अंबानी द्वारा जियो का फीचर फोन के ऐलान किए जाने के बाद किया। यह फोन कंपनी की नवरत्न सीरीज के तहत आया है और साथ ही इस सीरीज में 8 दूसरे फोन मॉडल भी हैं, जिनकी कीमत 700 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में रखी गई है। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फोन का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होगा। 2.4 इंच की इसकी डिस्प्ले दी गई है जो कि QVGA होगी। यह काई OS सॉफ्टवेयर वर्जन पर काम करेगा। इसमें डुअल कोर प्रोसेसर के साथ में 512 MB की रैम दी गई है और साथ ही 4GB इंटरनल स्पेस दिया गया है, जिसे आप चाहें तो 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस 4G फोन में कैमरा होने वाला है 2 MP का और वहीं फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा इसका VGA। साथ ही 2000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि ये प्लस पॉइंट है। छोटी स्क्रीन है, परफॉर्मेंस बैटरी के मामले में अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटेक्स ने ऐलान किया है अपने इस फोन के बारे में। और हाँ, एक और सवाल, क्या इसमें जियो की सिम चलेगी या नहीं? तो फ्रेंड्स, ये वॉल्टी सपोर्टेड फोन है, इसमें जियो की सिम भी काम करेगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर तरह के टेक रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।